राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं सुजानपुर विधानसभा के उम्मीदवार रविंदर सिंह डोगरा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। रविंदर सिंह डोगरा ने प्रचार अभियान के दौरान जनता से वोट मांगी और सोच समझकर मतदान करने की अपील की। डोगरा ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले राजेंद्र राणा बीजेपी में थे, तो ऐसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो कि समझ से परे है। रविंदर सिंह डोगरा ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना प्रचार जोरों से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का भी बढ़िया समर्थन मिल रहा है। डोगरा ने कहा कि कांग्रेस के राणा को खुद बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जिससे अब जनता भी भ्रमित हो रही है। तो हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो हम अपना किसी टीवी मीडिया के माध्यम से या किसी डिजिटल प्रोग्राम से नहीं कर रहे हैं, हम घर घर जाके कर रहे हैं। और जो हम हैंडबिल लोगों को दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं, चाहे वो घर जाके देना हो, चाहे वो सड़कों पे देना हो या दुकानों पे जाके देना हो। और बाकी रही प्रचार प्रसार लंबा करने की बात, तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। जितना हो सकेगा हम अच्छा लोगों से व्यवहार रखेंगे और वही हमारे प्रचार प्रसार में काम आएगा। देखिए, इस बारे में हमें क्या कहना है, जनता सारी जानती है कि जो कांग्रेस के विधायक के पद के लिए प्रत्याशी हैं वो पहले भाजपा में थे। और शायद आपको मालूम होगा, थोड़े दिन पहले लाइव डिबेट हुई तो उसके अंदर खुद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उनके बेटे ने एक बात कही थी कि 2012 के अंदर हमारे पिताजी के आशीर्वाद से ही श्री राजेंद्र राणा जी जो है वो जीत के आए थे। तो अब मेरे को समझ में यह नहीं आता कि वीरभद्र जी या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, वो किस मुंह से यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस के लोग वोट मांगेंगे।